कर दोस्तों, मैं हूँ निताई रॉय और आप देख रहे हैं इंडियन गार्डन। दोस्तों देखिए, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और आप जो बोलने जा रहा हूँ जिस प्लांट के बारे में, वो है मोगरा और अरेबियन जैस्मिन। कोई बोलते हैं, कोई बेल फूल बोलते हैं, बेली बोलते हैं। ये है मोगरा प्लांट। ये आते हैं ऐसे पैकेट में, नर्सरी में आते हैं ऐसे पैकेट में, छोटा पैकेट। देखिए अभी इतना छोटा प्लांट है, इसमें इतना छोटा प्लांट है, इसमें फूल आ गया, बहुत सारे फूल आ गया, इसमें बार्ड्स आ गया, नया लिप बार्ड भी आ गया। देखिए ये लिप बार्ड आ गया, कितना नया, जितना लिप नया लिप बार्ड आएगा उतना ही इसमें फूल आएगा। तो इतना छोटा जगह पे कर दिया। तो आप कैसे लगाएंगे अपना घर में, घर में अपने जो जमीन में लगाएंगे या पॉट में लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई भी जगह पे लगाइए, आप पॉट में लगाइए, आप जमीन पे लगाइए, कोई भी पॉट लीजिए जी, जो ऐसे आपके बगल में होगा वही लगा दीजिए। जो टूटा हुआ बाल्टी है, बाल्टी मिलेगा उसमें भी लगा दीजिए, जिधर भी हो आप लगा दीजिए, उसमें ही होगा ये। इस सबसे इजी प्रोसेस में होता है ये प्लांट। तो मैं दिखाऊंगा आज, पॉट में लगाएंगे तो कैसे पॉट में लगाया जा सकता है। देखिए ये है, ये 8 इंच का पॉट है, ये भी 8 इंच का पॉट है, ये 7 इंच का पॉट है, ये भी 7 इंच का पॉट है। इसमें एक प्लांट लगाया मैंने, लगा दिया और ये रखा आपके दिखाने के लिए। ये जो पॉट है इसमें नीचे छेद होना चाहिए, बहुत सारे छेद, देखिए इसमें बहुत सारे छेद हैं, क्योंकि पानी निकल जाना चाहिए। और मोगरा का पानी रुकना नहीं चाहिए, ये पानी रुक जाए तो इसका मिट्टी के अंदर, तो इसका जो रूट खराब हो जाएगा, इसका जो ग्रोथ है ग्रोथ खराब हो जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा ठीक से। तो इसलिए इस ऐसे पॉट चाहिए। और पहले क्या करना है, ये पॉट में जो होल्स है वो होल्स के ऊपर आप ऐसे जो टुकड़ा है मिट्टी का, जो बर्तन होता है, टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन हो या भाड़ हो या टूटा हुआ पॉट हो, मिट्टी का जो पॉट होता है वो, हमारे यहाँ बहुत सारे मिट्टी का पॉट होता है, एक्सेस जो फेंक देते हैं हम ऐसे, तो वो टूटा हुआ इसे लगा लिया, वह टूटा तोड़ लिया, टुकड़ा कर लिया, उसे हम लगा लेते हैं। ओके, ऐसे जो होल्स है होल्स के ऊपर आप ऐसे लगा दीजिए, होल्स के ऊपर जितना भी होल्स है होल्स के ऊपर लगा दीजिए। हो गया होल्स। अभी क्या है, इसमें और भी है, ये कवर कर दूंगा, इसमें क्या होगा, मिट्टी नहीं निकलेगा, ये जो होल्स है ना इसमें से छेद से मिट्टी नहीं निकलेगा, लेकिन पानी निकल जाएगा, जो एक्सेस पानी होगा वो नीचे से निकल जाएगा। देखिए ये लगा दिया, ये नीचे एक लेयर बना दिया मैंने, जिसके अंदर से पानी निकल जाएगा एकदम। देखिए एकदम पूरा हो गया, ऐसे नीचे लेयर कर दिया। अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा मिट्टी देना है। मिट्टी कैसे देना, मेरा मिट्टी बना हुआ है, देख लीजिए, ये जो मिट्टी है ये देखिए, एक गुलगुली मिट्टी है। इसमें हम क्या क्या जितना बारीक हो सके इसे टूट के ऐसे तोड़ लिया हमने, ऐसे तोड़ लिया, और इसके साथ मिलाया क्या, बोन मील, ये देखिए बोन मील मिला,
एक मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। आप बोन मील में कोई प्रॉब्लम है तो आप बोन मील मत लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए 2 मुट्ठी, ऐसे 2 हैंडफुल वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, बोन मील मत लीजिए। लेकिन हमारा तो बोन मील यूज़ करते हैं तो बोन मील रेगुलर करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोन मील बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्लो रिलीज है, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के साथ में गलते हैं और मिट्टी को उसका जो फूड है प्लांट का वो देते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी ये स्लो रिलीज नहीं, ये फास्ट रिलीज है। ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है जल्दी से मिट्टी के साथ मिलते हैं और पौधे जल्दी से खाना मिल जाता है पौधे को, इसलिए हम दोनों एक साथ देते हैं। तो एक एक मुट्ठी करके हमने इसमें दे दिया, मिला दिया, और देखिए ये मिला दिया इसमें। अब क्या करेंगे, ये एक लेयर लेंगे, ऐसे एक लेयर लेंगे, इसके ऊपर हल्का सा एक लेयर दे देंगे, हल्का सा एक लेयर दे देंगे, जस्ट हल्का सा लेयर दे देंगे। हो गया, अब ऐसे भरते जाना है। देखिए ये भर के रखा हमने, भर के रखा। अब क्या करना है, ये जो प्लांट है वो इस पैकेट से निकलना है। देखिए ये जो प्लांट है ये इस पैकेट से निकलना है। कैसे निकलेंगे, एक शार्प ऐसे नाइफ ले लीजिए, नहीं तो ब्लेड ले लीजिए, वो जो ब्लेड होता है ब्लेड ले लीजिए और इसे कटिए। इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया, दोनों साइड कर दिया और ये ऐसे निकलेगा। दो चार ऐसे रूट टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, इसके लिए परेशानी का कोई बात नहीं, फिर से नया रूट हो जाएगा। देखिए हो गया, अब क्या करेंगे, टॉप लेंगे पॉट के ऊपर ऐसे हम रख देंगे ऐसे, और चारों ओर तो पॉट कितना हाइट तक इसका मिट्टी लेना है, देखिए ऐसे इसके ऊपर हम मिट्टी डाल दिया, ऐसे मिट्टी डाल देना है और थोड़ा नीचे तक इसके ऊपर 1 इंच गैप रहना चाहिए, मिट्टी के ऊपर 1 इंच गैप रहना चाहिए, नहीं तो पानी जब देंगे तो बाहर निकल आएगा, इधर से बाहर निकल आएगा, तो ज़्यादा पानी इसमें नहीं आएगा, तो इसलिए हमने दे दिया ये थोड़ा नीचे कर दिया इसको, ज़्यादा एकदम इस टॉप तक नहीं लिया, थोड़ा नीचे तक लिया मिट्टी, और इसके ऊपर पानी दे देना, अच्छा से पानी दे देना। और बोलूँगा ये राखना के इधर है, जो मोती है मीन्स मोगरा है, मोगरा के प्लांट है ज़्यादा सनलाइट पसंद करते हैं, जिधर भी सनलाइट हो, ज़्यादा हो जिधर भी उधर रख दीजिए, जितना भी सनलाइट मिलेगा उतना इसका जो फ्लावर्स है खिलेगा, उतना फ्लावर्स भी आएगा जितना भी सनलाइट होगा। तो अभी गर्मी का दिन है, सनलाइट तो आते हैं जी सब जगह पे, तो इधर रख दीजिए, कोई बालकनी में रखिए, कोई आपका जिधर जंगला है उधर ज़्यादा सनलाइट आते हैं तो उधर विंडो के पास रख दीजिए, नहीं तो एकदम टेरेस में या रूफटॉप में रख दीजिए। उसके बाद पानी देना है, पानी आप गर्मी का मौसम है तो अभी तो पानी तो देना ही है, बहुत पानी देना है, 2 दिन में 2 बार तो पानी देना ही है, तो दिन में 2 बार पानी दीजिए एटलीस्ट,
मिट्टी भीगा रहेगा तो कोई बात नहीं, एक बार दे दीजिए, मिट्टी सूख जाएगा तो आप शाम को देख लीजिए, सुबह एक बार दे दीजिए, उसके बाद शाम को देख लीजिए, शाम को मिट्टी सूख जाए तो फिर एक बार दे दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, दूसरे दिन सुबह में फिर से दे दीजिए। ये तो हो गया मिट्टी का। इसके बाद आते हैं फर्टिलाइजर का। ये फर्टिलाइजर क्या देना है, उसके लिए खाद जो देना है वो जैसे बोला बोन मील महीने में एक बार एक मुट्ठी, और वर्मी कंपोस्ट वीकली एक बार, हफ्ते में एक बार एक मुट्ठी। और गाछ जो पौधे है, पौधे में कोई तेजी आ जाएगा, जो ग्रोथ में बहुत तेज हो रहा है इसे, तो उसका जो वर्मी कंपोस्ट है वो कम कर दीजिए, महीने में एक बार दीजिए, नहीं तो महीने में दो बार दीजिए, बस ऐसे ही देना है इसका। और कुछ ज़्यादा केयर कुछ नहीं है। और इसके ऊपर थोड़ा सा कभी कभी इंसेक्ट्स आते हैं इसके नीचे, आप देख सकते हैं कभी कभी, आप देख लीजिए इसके जो पत्ता है, पत्ते के नीचे इंसेक्ट्स आए कि नहीं, इंसेक्ट आते हैं तो क्या करना, इसको हर हफ्ते एक बार अच्छा से नहा देना, या मीन्स स्प्रे कर देना, वाटर स्प्रे कर देना इसके ऊपर, अच्छा से पानी स्प्रे कर देना इसके ऊपर, तो इंसेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा इसके ऊपर, इंसेक्ट आएगा कम होगा। ये तो हो गया हमारा। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए, और कोई प्लांट के बारे में कोई कुछ जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।